बढ़ रहे हैं हम अपने मेहमान एजाजी की जानिब। मोहतरम शफीक मुराद साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आपका अपने बहुत सारे चैनल हैं, शरीफ एकेडमी का आपने दाग पेल डाली, उसके आप बानी और सरपरस भी हैं, और बहुत ही इल्मी अदबी और शेरी शख्सियत, और उसमें उतना ही आपका बहुत ही कमाल, हर तरह के मौजू पर बिला झिझक गुफ्तगू करने में बहुत माहिर, और हर जगह हर उसमें अपने आप को समो लेने का उनका बहुत बड़ा हुनर है। अल्लामा इकबाल की नज़र दो लाइनें करते हुए फिर आपको मदद करती हूँ। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ शाहीन शुजात दानाई इज्जत नफ्स और दूर अंदेश और खुदी के एतमाद का इस्तआरा है। यही वो आला तरीन इंसानी खसलतें हैं जो किसी कौम को जिंदगी अता करती हैं। इकबाल का कलाम कमाल यह है कि उन्होंने परिंदों की दुनिया में एक ऐसे परिंदे का इंतखाब किया जो अपने अंदर शान दरवेशी समेटे हुए है और उसकी नजर आसमान की बुलंदियों पर रहती है। इकबाल का शाहीन कौम का वो मिसाली नौजवान है जो कुछ ऐसे शहाना अंदाज से जिंदगी बसर कर रहा है कि वो परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, करगस का जहां और है, शाही का शाही का जहां जहां और है। और वाह 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 मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम हमारे मेहमान एजाजी मोहतरम शफीक मुराद साहब, जो जर्मनी में अल्लामा इकबाल के कयाम से मुतालिक हमें बहुत कुछ बताने वाले हैं, तो आइए हम उनको मधु कहते हैं। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम हुजूर, सलाम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, जनाब क्या हाल है आपका? अल्लाह का बड़ा करम है हुजूर। खैरियत बहुत से खूब, हैं? बहुत ठीक हैं, खूब, बस अल्लाह सब की मेहरबानी है, आपकी दुआएं हैं और आपसे मुस्तफीद हो रहे हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, सेहतमंद रखे, ताकि इस आमीन तरह हम आपसे मुस्तफीद होते रहें। आमीन। मैंने कहा कि बाद मेरा चेहरा एक साइड से लाइट के अब ठीक हो गया। हाँ जी आपका चेहरा जिस साइड से भी नजर आए बहुत खूबसूरत लग रहा था, माशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात बात है, है, बास आपकी चेहरों से मोहब्बत लाइट, क्या बास खूबसूरत जुमला सुना है चेहरों से लाइट आपने। निकलती है। आपका हुस्ने नजर है, आपका हुस्ने नजर माशाल्लाह। है। तो मोजस ख्वातीनो हजरात, सबसे पहले तो मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, खासतौर पर मोहतरम कामरान उस्मान साहब का और मोहतरमा अजरा अलीम साहबा का, जो बहुत दिनों से इस प्रोग्राम के इनेकाद की कोशिश कर रही थी और जिस खूबसूरती से उन्होंने इस प्रोग्राम को पेश किया वो यकीनन हमारे लिए काबिले तकलीद है। बहुत आपकी शुक्रिया, नजामत खास तौर पे हमारे लिए काबिले तकलीद है, बहुत शुक्रिया, जजाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया। बेशक और इसी तरह बेशक। जिस लगन और मेहनत के साथ जनाब कामरान उस्मान साहब भी फरोग इल्म अदब के लिए काम कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो खुद शायर हैं और हम चाहते हैं कि हम इस तरह के काम करें ताकि हमारा भी कलाम दुनिया तक पहुंचे, लेकिन कामरान उस्मान साहब जो शायर नहीं है बल्कि शायर नवाज हैं, अदब नवाज हैं, तो ये बड़ा हमारे कर लिए बहुत आजाज की बात है, बहुत खुशी की बात है। जब तक हमारी बहुत कौम में ऐसे अदब नवाज पाए जाएंगे उस वक्त तक जो है ये कारवां आगे की तरफ चलता जाएगा। और जो माशाल्लाह, इकबाल है, इन्होंने कहा कि भाई जो फर्द है, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, तो जब तक हम हर फर्द अवाम जो है के वो हाथों में मिल्लत है, के मुकद्दर का सितारा राखी बन जी। जाए तो फिर इंशाल्लाह हमारी कौम भी तरक्की करेगी। सही, तो हम आज के मौजू की तरफ आते हैं। तो आज का मौजू है अल्लामा इकबाल के जर्मनी में क्याम, इसके बारे में मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। सबसे पहले मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लामा इकबाल को सात जुबानें आती थी, सात जुबानें, माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या जिसमें बात, हम उर्दू बहुत उर्दू खूब, पंजाबी इंग्लिश, उसके बाद पर्शियन संस्कृत, और ये अपनी जो जर्मन जबान है वो भी इकबाल ने सीखी। माशाल्लाह। और अल्लामा इकबाल का यूरोप के क्याम के हवाले से हमारी गुफ्तगू है, और यूरोप में खास तौर पर हमारी गुफ्तगू जो है वो जर्मनी के हवाले से है। अल्लामा इकबाल 1905 में यूरोप में आए और 1908 तक आपने यहाँ क्याम किया। सरे दस्त में आपको ये भी बताता चलूं कि अल्लामा इकबाल की एक तस्वीर जो बड़ी मशहूर तस्वीर है जिसमें वो इस तरह अपना इस तरह बैठे हुए हैं, जी, ये
तस्वीर जो है ये फ्रास्ट की है। वाह, और ये जब वो बाल जो है वो वहां पे आए, और जब जो जो मेजबान थे जब उनके घर वो पहुंचे तो वो बहुत थके हुए थे, और वो सोफे पे वो अपना हाथ ऐसे रख के तो थोड़ा सा वो गुनुजगी में चले गए। उस वक्त ये तस्वीर खींची गई थी, और ये तस्वीर जो है वो आज अलामा इकबाल की शनाख्त आलमगीर शोहरत हासिल कर गई कर गई, और ये फ्रांस की तस्वीर है। तो हम आगे चलते हैं। अलामा इकबाल 1905 में यहाँ पे आए, और 1905 में ये इंग्लिस्तान में आए, वहां पे उन्होंने तालीम हासिल की, और फिर वहां पे उन्होंने एक इंग्लिश में एक थीसिस लिखा जिसका उन्वान था द डिवेलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। ये थीसिस जब उन्होंने प्रोफेसर अर्नल्ड, अर्नल्ड का नाम आपने सुना होगा, अलामा इकबाल के उस्तादों के हवाले से दो नाम बहुत मशहूर हैं, एक मीर हसन का और एक प्रोफेसर अर्नल्ड का। तो जब उन्होंने ये थीसिस उन्हें दिखाया जो कि इंग्लिश में था, तो उन्होंने कहा भाई ये थीसिस बहुत बहुत अच्छा है, तुम जर्मनी चले जाओ और वहां पे यूनिवर्सिटी में ये पेश करके तुम फिलोसफिक डॉक्टर की डिग्री ले सकते हो। डॉक्टरेट इन फिलोसफी उन्होंने की है इकबाल ने। तो उन्होंने वो फिर जर्मनी तशरीफ लाए, और वो म्यूनचन की यूनिवर्सिटी जिसका नाम लुडविग्स मैक्सिमालियन यूनिवर्सिटी था, वहां पर वो आए, और वहां पे उन्होंने इस मौजू पे काम किया, रजिस्ट्रेशन कराई। और आपके जो टीचर टीचर तो हम नहीं कह सकते, जिन जिनकी निगरानी में ये सारा काम हुआ, उनका नाम जो है वो था डॉक्टर फ्रीडरिश होमल। तो डॉक्टर फ्रीडरिश होमल की निगरानी में ये थीसिस वहां पे दिया गया। अब मसला ये था कि ये थीसिस इंग्लिश में है, और जर्मन की जुबान तो जर्मन है, तो ये एक मामला था कि जिसके बारे में फिर ये हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, तुम्हारा जो इंग्लिश का थीसिस है वो तो हम कबूल कर लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डॉक्टरेट, लेकिन जो वाइवा होगा वो जर्मन जबान में होगा। तो जर्मन जबान फिर सीखने की आगे कहानी जो है वो मैं बाद में बताऊंगा। तो यहाँ हम म्यूनचन की लुडविग्स मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी तक हम पहुंचते हैं, यहाँ पे इकबाल ने अपना डॉक्टरेट किया। और अलामा इकबाल ने जो डॉक्टरेट किया वहां पे म्यूनचन में, जब 1966 के करीब जो है वो अलामा इकबाल की एज ए फिलोसफर एज ए इंटरनेशनल लेवल पे जब उसे तस्लीम किया गया उसकी शोहरत, और फिर वो पाकिस्तानी हमारे जो स्टूडेंट थे उन्होंने भी इस चीज को जर्मन की हुकूमत को बावर करवाया कि ये बहुत अजीम शख्सियत थे। जो मोनूमेंट वहां पे नसब किया गया म्यूनचन में, उसके ऊपर लिखा है कि फिलोसफर और पाकिस्तान के कौमी शायर मोहम्मद इकबाल। तारीख पैदाइश 1877, तारीख वफात 1938, और 1907 में यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनचन में तालीम हासिल की। तो ये जो है ये अलामा इकबाल का म्यूनचन के हवाले से गुफ्तगु हमारी खत्म होती है। अब हम चलते हैं हाइडलबर्ग, क्योंकि जब इकबाल का जिक्र आता है तो हाइडलबर्ग का जिक्र आता है। तो अलामा इकबाल ने अपना कयाम जो था वो हाइडलबर्ग में किया। हाइडलबर्ग एक बहुत खूबसूरत शहर है, और मेरे इल्म के मुताबिक और मेरे मुशाहदे के मुताबिक जर्मनी के चार पांच जो टॉप खूबसूरत तरीन शहर हैं उनमें हाइडलबर्ग आता है। हाइडलबर्ग पहाड़ियों के दरमियान, पहाड़ियों के ऊपर वाक्य है। दाएं साइड पे जब हम दाखिल होते हैं दाएं साइड पे पहाड़ियां हैं, बहुत खूबसूरत वहां मकानात हैं, दरमियान से दरिया गुजरता है जिस दरिया का नाम दरिया नेकर है। इकबाल ने यह पसंद किया कि वो अपना कयाम हाइडलबर्ग में करे। चुनाचे एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 2 महीने और 23 दिन इकबाल ने हाइडलबर्ग में कयाम किया। हाइडलबर्ग की रिहाइश, हाइडलबर्ग में इकबाल की रिहाइश दरिया के किनारे थी। उस रिहाइश को भी कौमी विरसे के तौर पर महफूज कर लिया गया है, और जो सूबा हाइडलबर्ग का है उसका नाम है बादन व्यूटनबर्ग। बादन व्यूटनबर्ग सूबा की मिनिस्ट्री ने उनकी हुकूमत ने जब इन्हें इनको ऐसे रिकग्नाइज किया
तो फिर उन्होंने ये 1966 में उन्हें रिकग्नाइज किया गया और उस रिहायश गाह को कौमी तहवील में ले लिया गया और उस रिहायश गाह के बाहर एक तख्ती लगा दी गई जिसके ऊपर ये लिखा था कि अल्लामा इकबाल मोहम्मद इकबाल, जिसके ऊपर लिखा है मोहम्मद इकबाल, आगे उनकी डेट ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ साल वफात और साल पैदाइश लिखा है 1877 और 1938, और उसके नीचे लिखा है कि कौमी फिलासफर, शायर और पाकिस्तानियों का रूहानी बाप 1907 में यहाँ रहा। अल्लामा इकबाल 1907 से 1908 तक यहाँ पे रहे हैं। ये और उसके नीचे लिखा है कि ये यादगारी शील्ड, ये यादगारी तख्ती 16 सितंबर 1966 को उस सूबा के वजीर सकाफत व तालीम डॉक्टर प्रोफेसर विलहेल्म हान, पाकिस्तानी सफीर अब्दुल रहमान खान और शहर के मेयर के हाथों नसब की गई। ये जो रिहायशगाह है इसके बाहर ये तख्ती लगी हुई है, गोल्डन कलर की है और मुतअद्दिद बार मुझे वहां जाने का भी इत्तफाक हुआ। फिर उसके बाद ये है कि जो भी पाकिस्तान से शायर अदीब आते हैं फ्रैंकफर्ट में तो मेरी ख्वाहिश होती है कि उन्हें, और उनकी भी ख्वाहिश होती है कि वो अल्लामा इकबाल के इन मुकामात को देखें जहाँ अल्लामा इकबाल ने क़याम किया था। तो अक्सर मुझे ऐसी खिदमत करने का मौका मिलता है, अगर आप भी कभी तशरीफ लाएं तो मैं हाजिर हूँ। मुबारक हो जनाब, बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तो अल्लामा इकबाल की जो दरियाए नेकर है, दरियाए नेकर के किनारे अल्लामा इकबाल शाम को चहलकदमी किया करते थे और वहां पे चूंकि वो ये शहर बहुत ही खूबसूरत है और वो खूबसूरती जो है वो इकबाल शायर थे, वो ही खूबसूरती की वजह से उन्होंने यहाँ क़याम करना पसंद किया। और मैं ये भी अर्ज करता चलूँ कि ये शहर गोएटे को भी बहुत पसंद था, तो गोएटे ने भी यहाँ पे क़याम किया था, तो इसलिए वो गोएटे के इस लगाव की वजह से, हालांकि गोएटे का ज़माना जो है वो इकबाल से तकरीबन 100 साल पहले का है, तो वो स्पिरिचुअली गोएटे से बहुत ज़्यादा मुतासर थे। और गोएटे जो है वो जर्मनी के, आप ये समझे कि अल्लामा इकबाल जैसे हमारे पाकिस्तान के शायर हैं, इसी तरह गोएटे का मुकाम जर्मनी में है। गोएटे यूनिवर्सिटी, गोएटे के नाम पे हॉस्पिटल हैं और गोएटे भी एक बहुत बड़े फिलासफर और बहुत बड़े शायर थे। और ये हमारे लिए बायस फ़ख्र है कि गोएटे ने आज रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम की शान में एक नात भी लिखी, वो आपको पेश करेंगे। तो उन्होंने, गोएटे ने ये नात लिखी और ये अल्लामा इकबाल जब वहां पे चहलकदमी करते थे तो एक शाम को उन्होंने विजदानी कैफियत में अल्लामा रूमी से, उन्हें ऐसे महसूस हुआ जैसे ये दरिया के उधर से अल्लामा रूमी ऐसे आसमान से आ रहे हैं और वहां पे वो उनसे फिर मुकालमा मुखातबा करते। यहां से वो इलाम जो मुकालमा और मुखातबा है, यहां से वो बुनियाद रखी गई जावेद नामे की। और इसका जो जिक्र है वो फिर बहुत तवील है और वो वहां से उन्होंने फिर जावेद नामे का जो है वो पूरा एक स्केच उनके जहन में आया और उन्होंने जावेद नामा तहरीर किया। जहां पे इल्लामा इकबाल ये शाम को चहलकदमी करते थे वहां बैठकर उन्होंने एक नज्म लिखी जिसका नाम है दरियाए नेकर के किनारे एक शाम। एक शाम दरियाए नेकर के किनारे नज्म का नाम है और ये नज्म बांगे दरा में आप पढ़ सकते हैं। मैं अभी आपको सुनाऊंगा ये नज्म क्योंकि आज के इस प्रोग्राम के हवाले से इसकी अहमियत है मेरी गुफ्तगू के हवाले से। तो ये नज्म जो थी ये अल्लामा इकबाल ने वहां बैठकर लिखी। जब अल्लामा इकबाल को 1966 में हाइडलबर्ग के सूबा बादन वुर्टेनबर्ग की हुकूमत ने उन्हें रिकग्नाइज किया
तो उसके बाद जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि उनके मकान को भी तारीखी कौमी विरसे के तौर पर महफूज कर लिया गया, तो उसके बाद 22 अप्रैल 1968 को, 22 अप्रैल 1968 उस दरिया के किनारे जहां पे इकबाल ने ये नज्म लिखी थी, उस जगह पर पत्थर की एक बड़ी सिल के ऊपर इस नज्म का जर्मन जुबान में तर्जमा करके, तो वो उसे कुंदा करके वहां नस्ब किया गया। और ये बहुत आजाद की बात है, हाँ जी, वहां नस्ब किया गया। और वो जगह जो है वो हमारे लिए बहुत ही यानी कि खूबसूरत जगह है, हम वहां जाते हैं और वहां पे मैं बहुत से अपने दोस्तों को मैंने वो जगह दिखाई, वहां तस्वीरें भी हमने उतरवाई। और किसी ऐसा प्रोग्राम में, ऑनलाइन प्रोग्राम में, मैं आपको अपनी वो तस्वीर भी दिखाऊंगा। तो वो नज़्म जो है वो अल्लामा इकबाल की वहां पे कंदा है, और उस नज़्म जहां पे कंदा है उसके साथ जो सड़क जा रही है, यानी कि इधर दरिया है और इधर सड़क जा रही है, उस सड़क का नाम इकबाल ऊफर है। जी, उस सड़क का नाम, जी बहुत शुक्रिया जी, उस सड़क का नाम इकबाल ऊफर है। जर्मनी हुकूमत का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, जर्मन के लोगों का शुक्रिया, आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। वैसे तो ये है कि कहते हैं कि शेख नूर मोहम्मद के घर जब बेटा पैदा हुआ तो उसने अपने बेटे का नाम इकबाल रखा, और वो कबूलियत दुआ का वक्त था, और इकबाल इकबाल ही हो गया। बहुत खूबसूरत बात है, बहुत खूबसूरत। और ये इकबाल का वो बहरे बेकरा है, ये इकबाल का वो बहरे बेकरा है जहां से हम मोती चुनते हैं, दिन रात चुनते हैं। बेशक। तो ये जो इकबाल ऊफर, उन्होंने वो सड़क है उसका नाम इकबाल ऊफर, क्योंकि एक साइड पे दरिया है एक साइड पे सड़क है, तो ऐसी सड़क जो कि दरिया के किनारे हो उसे हम जिसे हम साहिली सड़क कहते हैं, उस रास्ते को जर्मन जबान में उफर कहा जाता है, लेकिन हम गलतुलाम तर्जमा या आम तर्जमे के तौर पे हम कह देते हैं कि इकबाल स्ट्रीट, लेकिन इसका मतलब इकबाल स्ट्रीट नहीं है। स्ट्रीट जो है वो जर्मन जबान में शटरासे है, तो ये इकबाल ऊफर है। तो ये साहिली सड़क का नाम इकबाल ऊफर रखा गया, और ये जो इकबाल ऊफर लिखा है बड़ा, उसके नीचे लिखा हुआ है पाकिस्तानी मोहम्मद इकबाल, उसके बाद 1938 और 1877 1938 तारीख पैदाइश, साल पैदाइश और वफात, और उसके नीचे लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी शायर और कौमी फिलासफर, ये जर्मन जुबान में लिखा हुआ है। तो ये है इकबाल ऊफर, और वो जो है वो जगह जो है वो इकबाल ऊफर जहाँ लिखा है वहीं जहाँ से शुरू हो रही है उसी जगह पे वो पत्थर की सील लगी हुई है, और वहां पे बहुत ही खूबसूरत वो मंजर है। और उस मुकाम पर हमारी ये खुशकिस्मती है कि हमारे यहाँ पे एक सैयद इकबाल हैदर साहब हैं, वो भी एक अदबी तंजीम के सरबराह हैं, बानी हैं हल्के अदब जर्मनी के, बहुत पहले उन्होंने बनाई थी तंजीम, गालबन 2000 से पहले की उनकी तंजीम है। तो 2010 से उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया, 2010 या 2011 से, कि उस जगह पे जहाँ पे ये पत्थर की सिल अलावा इकबाल की नज़्म के साथ लगी है, और जहाँ पे वो इकबाल ऊफर है वहां पर उन्होंने एक फर्शी मुशायरे का एहतमाम किया। वाह वाह, तो ये जो ये फर्शी मुशायरा है ये हर साल होता है, गर्मियों के मौसम में होता है, और ये फिर वो चलता रहा। और एक और भी उसमें जो दिलचस्प बात है वो ये है कि तकरीबन हर साल, ये 2-3 साल कोरोना के आप निकाल दें, तो तकरीबन हर साल डॉक्टर तकी आबदी, जो कि महर एक बारियात भी है, कनाडा से तशरीफ लाते हैं और वहां पे उनका लेक्चर होता है। और फिर जो वो नक्शा, जो नक्शा खींचते हैं वो पूरा नक्शा खींचते हैं कि रूमी जो है उसके कहाँ पे, उन्होंने रूमी से एक विजदानी कैफियत में मुलाकात की, और उस जगह को
हमने यानी कि पाकिस्तानी जो है हम पाकिस्तानी शायर अदीब जर्मनी के जो हमने वहां पे ये करारदाद पेश की कि इस मुकाम इस जगह को मुकाम इकबाल कहा जाए, तो उस जगह को हम मुकाम इकबाल जो है हम कहते हैं। तो ये है इकबाल की कहानी। अब इकबाल की कहानी में जो दिलचस्प बात है वो ये है कि इकबाल ने हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन गलतुलाम ये समझा जाता है कि इकबाल ने हाइडलबर्ग में तालीम हासिल की। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो अल्लामा इकबाल, मैंने शुरू में आपसे कहा था कि उन्होंने ये शर्त लगाई कि 3 माह शर्त लगाई कि जो वैवा होगा वो जर्मन जबान में। चुनाचे उन्होंने एक खातून जिसका नाम एमा वेगेनास था उससे जर्मन जबान सीखी, और वो जर्मन जबान उन्होंने उससे सीखी, और उसके बाद ये हुआ कि हमारे शहर जो थे वो उस खातून से दिली लगाव भी अपना पैदा कर बैठे, जिसका नतीजा ये हुआ कि इकबाल ने अपने जाने के बाद भी उनसे खतो किताबत का सिलसिला जारी रखा। ये जो एमा वेगेनास्ट है इसकी वफात 1964 में हुई है, यानी कि इकबाल की तो 38 में हुई, तो इनकी जो है वो 1964 में हुई। एमा वेगेनास से बहुत ज्यादा दिली लगाव था, और जो उसमें जो इकबाल ने उन्हें खत लिखे उनमें एक फिक्रा खास तौर पे काबिले जिक्र है, और वो ये है कि मैं इस खूबसूरत मुल्क को नहीं भूल सकता, और मैंने इस मुल्क से मैंने बहुत कुछ सीखा है। हाइडलबर्ग में मेरा क्याम मेरी जिंदगी का खूबसूरत ख्वाब है। वाह, इट्स अ ब्यूटीफुल ड्रीम ऑफ माय लाइफ। वाह वाह वाह, तो ये इकबाल, और वो उन्होंने फिर ये भी लिखा कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं दोबारा आऊं। उन्होंने लिखा कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं दोबारा यहाँ पे हाइडलबर्ग में आऊं और तुम्हारे साथ गोइटे की कब्र की जाके ज्यारत करूं। वाह, तो ये अल्लामा इकबाल की जर्मनी हाइडलबर्ग म्यूनचन के साथ वाबस्तगी मोहब्बत, उनका यहाँ क्याम और उसकी तफसील मैंने आपके आपको आपके गोशगुजार की हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारे इजाफा किया, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही डीप रिसर्च है। हम और आप वहाँ इकट्ठे एक दिन मुशायरे में पढ़े, आपने इतने खूबसूरत अंदाज में बयान किया है कि हमें लग रहा था हम खुद जर्मनी में पहुंचे हुए हैं, अल्लामा इकबाल के दौर में पहुंचे हुए। सही बात, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मोहब्बत आपकी। और मैं अगर आप पसंद करें तो मैं आपको वो नज़्म भी लगे हाथ सुना देता हूँ जो कि अल्लामा इकबाल की, एक शाम दरियाए नेकर के किनारे, जो कि जिसका मैंने जिक्र किया कि वो वहां पे पत्थर की सिल पे कंदा करके जर्मन जुबान में तर्जमा करके कंदा की गई है। हेलो, ये है, खामोश है, खामोश है चांदनी कमर की शाखें हैं खामोश हर शजर की, खामोश है चांदनी कमर की शाखें हैं खामोश हर शजर की, वादी के नवा फरोश खामोश फितरत बेहोश हो गई है, आगोश में शब के सो गई है। कुछ ऐसा सकूत का फसू है, नेकर का खराम भी सकू है, तारों का खामोश कारमा है, ये काफिला बेदरा रवा है, खामोश हैं कोह दश्त दरिया, कुदरत है मराकबे में गोया, ऐ दिल तू भी खामोश हो जा, आगोश में गम को लेके सो जा। और एक बात जो मैं बतानी भूल गया कि जो एमा की जब वफात हुई है, तो एमा की वफात के बाद उसके जो थे वो चंद तस्वीरें बुता चंद हसीनों के खतूत, बाद मरने के मेरे घर से ये सामान निकला। उसके मिसदाक जो था एमा के सामान से 40 खतूत निकले जो कि इकबाल ने एमा को लिखे थे। वाह,
जी जी और वो फिर किस जबान में, इंग्लिश में, इंग्लिश में लिखे थे या जर्मन लैंग्वेज में लिखे थे? जर्मन, जर्मन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज का उर्दू तर्जुमा मैं पढ़ चुका हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत यहाँ पे बहुत है, बहुत खूबसूरत खतूत है, बहुत खूबसूरत खतूत है। हाँ, बहुत इश्की इंतहा है उसमें, इश्की भी इंतहा है। और उसमें उन्होंने ये जिक्र जो किया अपने इस दौरे का, उसको बार बार रिपीट किया, बार बार दोहराया उन्होंने। और जर्मन के हवाले से उन्होंने बहुत अच्छी बातें लिखी, वो पूरा एक, वो भी एक दबस्तान है। तो ये 40 खतूत जो थे ये फिर उसकी बेटी ने हुकूमत पाकिस्तान के हवाले किए, और ये गालबन इकबाल अकेडमी में ये महफूज हैं एज ए कौमी वरसा के तौर पे, ये अलामा इकबाल के ये जो खतूत हैं। तो ये था आज का इकबाल और जर्मनी। सेहतमंद रखे, माशाल्लाह, बस आपकी दुआ चाहिए। और इकबाल के अशार जो हैं ये हमारे लिए बहुत ही ये मशले राह हैं, सरमाया है, सरमाया है, सरमाया हयात है और मशले राह है। इकबाल ने जो दर्श दिया है खुदी का, और उसके बाद जो है उसने एक नई दुनिया दरियाफ्त करने का दर्श दिया है, ये कमाल है। जैसे वो कहता है कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर सिंधों में है, और जिंदगी को उसने इमरोज़ो फरदा से बाहर कर दिया है। उसने कहा है कि बरतर अर्जंदिशा सूदो जहाँ है जिंदगी है, कभी जहाँ और कभी तस्लीम जहाँ है जिंदगी। और फिर वो जिंदगी के बारे में ये भी कहते हैं अपनी वो वालदा मरहुमा की वफात पर जो उन्होंने नज़म लिखी कि मौत के हाथों से मिट सकता अगर नक्शे हयात, आम इसको यूं ना कर देता निज़ाम कायनात। तो जिंदगी का जो कॉन्सेप्ट इकबाल ने पेश किया है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारी सोच से बहुत आगे है, क्योंकि आम इंसान जो है वो इमरोज़ो फरदा और मुनाफे और खसारे के साथ जिंदगी को नाप रहा है। सही बात, बाल ने कहा है कि नहीं है कभी जहां और कभी तस्लीम जहां है जिंदगी। बहरहाल बहुत सी बातें हो सकती हैं इकबाल के हवाले से, तो आज ज़हमत है तमाम जी। बहुत बहुत खूब जनाब, आपने तो बहुत ही अच्छा रहा आपका। ढूंढता फिरता हुआ है इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो हुजूर, माशाल्लाह। जर्मनी में कयान के बारे में जो आपने बताया रियली बहुत ही, इतना हमें इल्म नहीं था, बहुत जबरदस्त। आप डॉक्टर साहब तशरीफ लाएं, आपको मैं वो जगह भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और ये भी एक छोटी सी बात आपको बताता चलूं कि वो जो उस मकान की मालिक थी, हमारी पाकिस्तानी हुकूमत ने उससे रब्ता किया कि ये मकान तुम बेच दो जी। तो उसने कहा कि नहीं, इससे बड़ा सरमाया तो मेरे पास है ही कोई नहीं, मैं ये बेच नहीं सकती। तो अब वो मकान जो है वो जो है वो जैसे मैंने बताया कि कौमी विरासत के तौर पे है, तो उसने कहा कि मैं ये इस मकान का कनेक्शन मैं अपने नाम से रखना चाहती हूँ, इस मकान का तल्लुक मैं अपने नाम के साथ रखना चाहती हूँ, ये अनमोल है, ये मैं बेच नहीं सकती। तो ये है इकबाल, देनी चाहिए जी। ये है इकबाल, और बहुत शुक्रिया। मजीद कुछ अगर कहें तो फिर गुफ्तगू जारी रहे, नहीं तो फिर इजाजत है। ऐसा लगा कि हम जर्मनी पहुंच चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप तशरीफ ले आए फ़याज़ साहब, आप इंशाल्लाह आप आए, आपको हम जरूर दिखाएंगे, जर्मनी दिखाएंगे, हाइडलबर्ग दिखाएंगे। अब तो एक जो है वो बेचैनी लाहक हो गई कि कब जाएंगे हम वहां तक, कब पहुंचेंगे इंशाल्लाह। जब सब जाने वाला है जर्मनी का इंशाल्लाह, मैं मेरा जो है वो मैं शंबरा हूँ। माशाल्लाह, बिल्कुल, जज़ाकअल्लाह। बहुत ही इनहमाक से, बहुत ही जज्बात के अंदर रोह में बह के, बिल्कुल उसके अंदर जिम होके अपने आप को उसमें डुबो के पेश कर रहे थे वो वाकयात, और बिल्कुल हमें ले गए उस जगह पे
और ऐसा महसूस हो रहा था कि वहीं कहीं हम उन्हीं सड़क के उसी शाहरा के अरीब करीब बैठे हैं और देख रहे हैं और सुन रहे हैं। माशाल्लाह बहुत बहुत ही अच्छा आपका जोर बयां। खामोश है दश्त दरिया, कुदरत है मराकबे में कोया। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने मुज़ाकरा और मकाला जो है डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो पेश किया, यकीनन आपने वो हक अदा किया इकबाल के शाहीन का। बहुत सराहना आपके लिए। सलामत रहिए मोहतरम शफीक साहब, फ्रैंकफर्ट जर्मनी से हमारे साथ हमारे मेहमान एजाजी भी, और आपकी तशरीफ आवरी हम सब के लिए बहुत बाइस से इज्जत और इफ्तखार है।